बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़्यादातर काम मेरा नॉर्थ में रहा है और ये लखनऊ के बैकड्रॉप पर हुई कहानी है और काफ़ी एक्साइटमेंट ऐसे ही मीडिया में है बिकॉज स्टार प्लस के शो में मुख्तार धोनी जी का होना और उनका सबसे पहला ये प्रोड्यूस शो है तो लार्जर दैन लाइफ ग्रैंडर इसमें है और जितने एलिमेंट्स में देख रही हूँ कि मुख्तार धोनी से प्रोड्यूस कर रही है जो बालाजी के इतने सारे शोज क्रिएटिव डायरेक्टर एज तो वो लोगों की नर्स को जानती है और लोग क्या पसंद करते हैं समझती है उनके टेस्ट को समझती है तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला शो उन्होंने अपना प्रोड्यूस किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे शो के डायरेक्टर हैं ललित जी, ललित मोहन जी ने इशिक बाज जैसे कई सारे अच्छे और हिट शोज बनाए हैं तो उनका एक्सपीरियंस नो डाउट हमारे इस शो के लिए बहुत ही उम्दा रहा। ऋषि गांधी जी सिनेमाटोग्राफर के जो शो सेटर हैं और उन्होंने इस शो को सेट किया है तो छोटी से छोटी डिटेलिंग जैसे आउटडोर लोकेशन पर हमने शूट किया था तो आउटडोर लोकेशन ऐसे चूज़ किए थे जहाँ पर बाढ़ वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है, उस तरह का बैकड्रॉप क्रिएट किया जा सकता है, उसी ग्रैंडर पे एक फ्लड को दिखाना एक बहुत बड़ा तामझाम वाला काम है, 200 लोगों की टीम और उतने डांसर्स कैरी करना ये बहुत मुझे लगता है स्टार प्लस का ये सबसे बड़ा शो है। बाकी टाइटल क्यों चुन किया गया इसका? मुझे लगता है रज्जो को उड़ते हुए इतना देखना ठीक नहीं है आज की तारीख में जब टाइटल्स इमली और अनुपमा ऐसे जब चल रहे हैं तो मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत क्रिस्प और एक कैची टाइटल होना ज़रूरी है। उड़ती का नाम रज्जो में काफ़ी वो लंबा टाइटल हुआ जा रहा था तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि या इसका नाम रज्जो रॉकेट जो पहले सोच रहे थे वो रहे या रज्जो रहे तो चलो हमारी भी मान ली गई और उसका नाम रज्जो रखा गया तो वी आर वेरी एक्साइटेड। इसके अलावा टेलीविजन के पर्दे पे आप कमबैक हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमबैक के लिए? मुझे लगता है नॉर्थ में मेरी जितनी जनता है उत्तर प्रदेश और बिहार की उनके दिल में मैं बसी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है निरवा रिक्शा वाला से लेके मेरी जितनी भी मूवीज रही हैं भले वो मनोज तिवारी जी के साथ में हो, रवि किशन जी के साथ में हो, दिनेश लाल यादव जी के साथ में मेरी ऑलमोस्ट 65 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही है और सोलो फिल्म्स भी उसके बाद में जितनी मैंने की हैं वो काफ़ी नाम की हैं और उसके अलावा जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ कोई भी थोड़ा सा तो उसके बाद में मेरा खेसारी जी के साथ में गाना एक अभी आया था बंगली मियां वो 100 मिलियन हिट कर चुका है। जितना लोगों ने प्यार दिया है वो हमेशा चाहते हैं कि आप दिखती नहीं हैं आप काम करिए लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको एक मंजो का काम नहीं मिलता तो उसमें मोनोटोनस हो जाता है सेम काम रिपीटेड आप करते हैं।